हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैंने कैसे एलपी के एग्ज़ाम को पास किया था, जो 2018 की वैकेंसी आई थी, उसके बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को पास किया था, के सारे सिलेक्शन प्रोसेस, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है इस एग्ज़ाम के लिए, और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। स्पेशली जो एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, और मेरे इस वीडियो को आप लोग देखिए। और इसके सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि टोटल 21 आरआरबी बोर्ड होते हैं रेलवे में, और इन 21 बोर्ड में आप लोग किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कोई भी आरआरबी में फॉर्म भर सकते हैं, और आपका जब CBT 1 क्लियर हो जाता है तो आपको एक फिर से एक बार फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोगों को फिर से एक बार फॉर्म भराया जाएगा, और फिर फॉर्म भरेंगे आप लोग जिस भी आरआरबी बोर्ड में आप लोग सेलेक्ट करोगे उस सेकेंड, मतलब फर्स्ट CBT एग्ज़ाम होने के बाद, तो आप लोगों को उसी आरआरबी बोर्ड में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप लोग फर्स्ट CBT एग्ज़ाम पहले पास करेंगे, फिर से आप लोग को अगेन आपको आरआरबी बोर्ड सेलेक्शन करवाएगा रेलवे बोर्ड, और आप लोग उसी आरआरबी बोर्ड में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। आप लोग CBT 1 होने के बाद फिर से आप लोगों को आरआरबी बोर्ड सेलेक्शन करवाया जाएगा, और आप लोग जो भी आरआरबी बोर्ड सेलेक्शन करते हैं, और अगर आप CBT 2 एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, तो आपका उसी आरआरबी में सेलेक्शन होगा। तो आप जो सेकेंड मतलब फाइनल जो आप आरआरबी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, वो ध्यान से सेलेक्ट करिएगा सोच समझ कर। आप जब फॉर्म भरेंगे, जैसे सपोज़ आप आरआरबी रांची को सेलेक्ट करते हैं, तो आरआरबी रांची में आपका एलपी और टेक्नीशियन का अलग अलग वैकेंसी रहेगा, और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अगर ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, तो वो ALP और ITI दोनों के लिए एलिजिबल है, और अगर BTEC और डिप्लोमा वाले हैं तो सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल है। और जो +2 किए हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ सीटें में वैकेंसी निकलती है, तो आप लोग उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो +2 के लिए भी इसमें मतलब अच्छा खासा करियर है, जैसे आप सिर्फ ओनली फॉर टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल है। आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन अगर ITI है, तो आप लोग ALP और टेक्नीशियन दोनों में के लिए एलिजिबल है, और डिप्लोमा वाले और BTEC वाले सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल है। और जो +2 किए हैं, उन लोगों के लिए लिमिटेड सीट में वैकेंसी निकलती है, हर बोर्ड में कुछ कुछ सीटें निकलती है, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल है। मेडिकल एग्ज़ाम में स्पेशली फॉर ALP कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उन लोग दोनों आँख में उन लोगों का 6x6 विज़न नहीं होता है, तो आप लोगों को ALP के मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जो ITI वाले हैं, उन लोगों को मतलब उन लोग अगर टेक्नीशियन में अप्लाई करते हैं, तो आप लोग उन लोगों का मतलब लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड भी रहता है, जैसे B1 B2 और C1 तक जाते हैं, तो ITI वाले उस टेक्नीशियन में उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और जो डिप्लोमा और BTEC मतलब BTEC पोस्ट अप्लाई किए रहते हैं ओनली फॉर ALP, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जिसकी भी आई साइट 6x6 है दोनों आई में, वही लोग ALP की प्रिपरेशन करें, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो उन लोग मतलब अपने आँख के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप ALP बन सकते हैं। आप लोगों का जनरल का एज लिमिट होता है 28 ईयर्स से 30 ईयर्स मैक्सिमम, और मिनिमम 18 ईयर्स के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूं तो OBC वालों को 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है, और ST/ST वालों को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं,
ये आपका जनरली दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइड करना होगा, और जिसमें CBT 1 में आप लोगों को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना होगा। जैसे जनरल के लिए आप लोगों को 40% और OBC के लिए आप लोगों को 35% और SC के लिए आप लोगों को 30%, ST के लिए आप लोगों को 25% लाना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वालिफाइड कर पाएंगे CBT 1। फिर आप लोगों को CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। CBT 2 एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को RRB बोर्ड का सिलेक्शन कराया जाएगा, जो मैंने पहले बताया था। आप लोग फाइनल RRB बोर्ड का सिलेक्शन अब कर सकते हैं। तो आप लोग का सिलेक्शन इसी बोर्ड में होगा जब आप CBT 2 एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तब जो आप लोगों का CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का टेक्नीशियन और LP के लिए दोनों के लिए सेम ही होगा। तो आप सिर्फ इसमें क्वालिफाइड करेंगे, आपका ये मार्क्स एड नहीं होगा, याद रखिएगा। सेकेंड CBT 2 में जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ वही मार्क्स वैलिड है, CBT 1 का वैलिड नहीं है, सिर्फ ओनली इट्स ओनली फॉर क्वालिफाइड एग्ज़ाम। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का, और आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप लोग सोच समझ कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, और 75 में आप लोग जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं सही सही उतना ही करिएगा। आप लोग को CBT 1 के लिए सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, जैसे आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, फिर जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, फिर आप लोगों की जनरल अवेयरनेस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर CBT 1। तो CBT 1 के लिए यही सारा जो भी मैं कुछ बताया हूँ, बस इतने ही सारा कुछ प्रोसेस होता है। आप लोगों का जो CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को 15 times जो जैसे आपकी वैकेंसी 1000 है, तो 1000 यानी 15,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, यानी 15 times। अब स्टेज 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, जो CBT 2 है। स्टेज 2 CBT 2 में आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पार्ट ए के बारे में बात करते हैं, पार्ट ए में आप लोगों का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और पार्ट बी में आप लोगों का 60 मिनट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पार्ट ए में के बारे में मैं बता रहा हूँ, पार्ट ए में आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को 90 मिनट मिलेगा और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पार्ट ए में आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लाना पड़ेगा, जैसे UR के लिए 40%, OBC के लिए 35%, ST के लिए आपका 25% और SC के लिए आपका 30% लाना पड़ेगा, तभी आप पार्ट ए में क्वालिफाइड होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आप लोग को लाना पड़ेगा, तभी आप पार्ट ए में क्वालिफाइड हो जाएंगे। और इस पार्ट ए पास करने के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, फिर आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिर करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ये इन सारे चीज़ को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। और आगे और भी वीडियो आएगी जिसमें पूरा सिलेबस के बारे में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब पार्ट बी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पार्ट बी में आप लोगों को जैसे आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, और आप लोगों को 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो पार्ट बी एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का टेक्निकल सेक्शन एग्ज़ाम होगा, जैसे आप जैसे ITI आप किए हो और आप मैकेनिक डीजल ITI किए हो, तो आप लोगों को मैकेनिक डीजल के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी रिलेटेड, जो सिलेबस वहाँ बता दिया जाएगा कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्निकल वहीं से आएगा। तो आप लोग इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 35% लाना ही है, तभी आप पास हो पाएंगे। यदि आप पार्ट बी में 30% लाते हैं और पार्ट ए में 90% मार्क्स, तो आप लोग वहीं पे डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि पार्ट बी में आप लोग टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छे से, और पार्ट बी में पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पार्ट बी में रिजल्ट नहीं हो पाया उन लोगों का पार्ट बी के चलते, और पार्ट ए में बहुत अच्छे नंबर थे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा,
और यही सारा कुछ प्रोसेस है एग्ज़ाम का जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, और फुल डिटेल में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा सिलेबस के बारे में, फिर और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा। तो और भी जैसे आप लोगों का पार्ट बी में अगर आप सिलेक्शन मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का फिर आप लोग अगर स्टेज टू एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर मतलब कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसका नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइको उसको टेस्ट बोला जाता है। तो इस टेस्ट में भी आप लोगों को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो इस टेस्ट में आप जैसे ही पास करोगे तो आप लोग का मतलब फिर रिजल्ट आएगा, जो कि आप मतलब डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे उन लोग कैंडिडेट, और डीबी के बाद तुरंत मेडिकल होता है, उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, और मेडिकल लेने के बाद आप लोगों को तुरंत मतलब कुछ दिनों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसी में। उसके बाद आप लोगों को मतलब ज्वाइनिंग लेटर आएगी और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि मैं इतना मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला था और मतलब फाइनल सिलेक्शन लिया। तो और भी मैं प्रोसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि डिटेल में कि एडुकेशन क्वालिफाई मतलब जैसे सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है। तो मेरे इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देता रहूँ, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को मतलब मेरे चैनल में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मतलब लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।